मैम पैर छूने दीजिए प्लीज प्लीज मैम बैठ जाइए प्लीज मैम पैर छूने के लायक मैं रही नहीं ना मैं बात करूंगी आपसे पहले प्रूव हो जाए पैर मैं नहीं छूने दूंगी पैर आदमी उसके छूता है जिसकी इज्जत करता है ऐसा मैम आप क्यों कह रही हैं ऐसा तो एनीवे आप मुझसे मिलना चाहते थे हाँ क्या कहना चाहते हैं मैम आप पैर नहीं छूने आप बात नहीं कर रहे हैं मैम ऐसा अगर आप करेंगे मैं सच में मैं पागल हो जाऊंगा मैं सबसे ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करता हूँ क्या मुझे बुरा लगने का हक नहीं हाँ मैम इस कमरे में देखो वोटिंग करना न्याय तुम्हारा अपना जाती मामला है चाहे तुम दोस्ती पे करो सुरों पे करो तुम्हारा ही अपना अधिकार है मैं आई एम नॉट क्वेश्चनिंग मेरा डिसीजन से मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ गिल्ट फील नहीं कर रहा हूँ बट मैं इसलिए गिल्ट फील कर रहा हूँ कि वहाँ पे मैं अपने आप को पता नहीं क्यों मैं सुरीला अर्जित शुरू में हो निजी जिंदगी में बेसुरा हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मैम आप कुछ भी कीजिए मैम मैं पर आप मुझसे बात कीजिए मैं ऐसा नहीं वो नहीं होगा मेरे से मैं कैसे मार तुम्हारे लिए संबंध कोई मायने रखते हैं नहीं मैम बहुत मायने रखता है सोचना कभी यहाँ पर तुमने बहुत सारे रिश्तों की बात करी इफ आई एम जस्ट अ टीचर फॉर यू क्या मेरा तुम्हारा कुर्सी से अलग कोई संबंध था आपको मां मानता हूं मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी जब सब लोग कहते थे भैया 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 करता मैं सोचती इतना अच्छा भोला लड़का इसको लोग गलत समझते हैं पर तुम कोई ऐसे तो नहीं हो कि जब तुम कुछ बन जाओगे तो सारे रिश्तों को ताक पर रख दोगे नहीं जावेद भाई ने कहा था इससे अच्छी तरह से बात करिए ये अगर एक दिन स्टार बन गया तो अपनी कार की धूल धूल उड़ा नहीं मैम आप सुने बोल रहा हूँ ना आप कुछ भी करिए मैं ऐसा जी ने एक नहीं बात बोली कही थी मत बोलिए आप कुछ भी करिए पर ऐसा मत बोलिए रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत मायने रखता है मत बोलिए मैम अगर मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड थी अगर मैंने चीखा और चिल्लाया तुम जानते हो कि मेरी हर्ट कहाँ तक पहुंची थी मैं कितनी दुखी थी क्योंकि मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ देखो अगर अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बने तो कितने अच्छे सिंगर बन जाओ तुम नीचे गिर जाओ ये करेक्ट है ये एक चीज है इसको देखना और फिर बाद में मुझसे मिलना उसको पता था कि तीन तीन वोट हैं दोनों के प्रॉब्लम ये हुई कि मैं एक्चुअली कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ बहुत सारे सवाल हैं जवाब नहीं है ऐसा क्यों हुआ Why at this stage? यहाँ तो मैंने अच्छा गाया था अगर अरिजीत बिल्कुल बेसुरा गाएगा तो भी मैं उसको ही वोट दूंगा I don't know today क्या हुआ उसको इतना इस हद तक क्या हो गया है जब पहला वोट अरिजीत का मानिका को मिला तो मुझे बहुत अंदर लगा लेकिन गुरुकुल से जाने का डर नहीं हुआ मुझे लेकिन जब लास्ट वोट पे उसको बुलाया गया जब उसको पता था कि तीन तीन वोट हैं दोनों के Problem ये है कि he knows about my background. कितना क्या परेशानियां हैं शायद मुझे ज्यादा जरूरत है इस चीज की शायद मगर ईगो आउट ऑफ मैं ख्याल रखूंगा जब भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कर रहा था अभी I'm going to miss Arijit.
थोड़ा सा और अगर मुझे चांस मिलता है, कोई अगर प्रॉब्लम शेयर भी आपको होता है अपने कैरियर में, आई विल मैनेज, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा शमित भैया से जो रिश्ता तब था वो आज भी है? डेफिनेटली वो तुम्हारे शमित भैया हैं। हाँ, मैं फिर कहूँगी तुम्हारा सच तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रिश्तेदारी तुम्हारे साथ है। मैं चाहती हूँ कि निजी ज़िंदगी में तुम बहुत सुरीले बनो और ऐसी इमेज ना बने कि अरिजीत सिर्फ सुरीला गाता है और रिश्तों के मामले में भी सुरा है। नहीं बनेगा, ऐसा नहीं आना चाहिए। बट टेक इट फॉर ग्रांटेड रिलेशन भी अच्छा नहीं कि रिश्ता एक ही तरह से चलता रहे। जैसे मुझे अगर बुरा लग सकता है तो उस आदमी ने हंस के गया, क्या उसे बुरा नहीं लगा होगा? उसने तुम्हें इतना प्यार किया, वो आज भी तुमसे कोई शिकायत रखता ही नहीं। हाँ, थिंक अबाउट इट, यू नो, इतना लाइटली रिश्तों को नहीं लेते, ठीक है? हाँ।